मोहन स्तंभन उच्चाटन वसीकरण इन विद्याओं में से मंथरा के पास में हती स्तंभन विद्या। वो गई देवासुर संग्राम में असुरों की तरफ से, उसने इंद्र के रथ पर स्तंभन विद्या मार दी। जैसे ही स्तंभन विद्या घली, इंद्र के पहिए रथ के रुक गए। जैसे ही पहिए रुके इंद्र ने नारायण से निवेदन किया, सरकार आज शायद राक्षस इंद्र की गद्दी पर बैठ जाएंगे, आप कुछ करो ना, कृपा करो। नारायण कहने लगे चिंता मत करो। नारायण ने कहा तुम इसके बगल में से वज्र निकाल दो। बोले क्यों? बोले इसके दूर से निकालो, इसके बाजू से वज्र निकलेगा, उसकी चमक में इसकी विद्या हो जाएगी क्षीण। जब मन है भी ने सो धर्म भी बचो रहे, क्योंकि देवता एक नारी को नहीं मार सकते, चाहे वो राक्षस की हो चाहे किसी की, तो ये मरेगी भी नहीं और उसके प्रभाव से इसकी विद्या हो जाएगी नष्ट, ये जमीन पर पहुंच जाएगी, सो लौट के स्वर्ग में नहीं आ पे, विद्या नष्ट हो जाएगी। तो इंद्र ने वो वज्र का प्रहार किया बगल से, और जैसे ही वो निकला उसकी धमस में इसकी विद्याएं हो गई नष्ट, मंथरा गिरी जमीन पर गिरी, इसकी कुवर निकल आई और उनके रथ के पहिए खुल गए इंद्र के। सो मंथरा के लिए पता था कि क्या कही जाती थी देवताओं की तरफ से युद्ध में, तो मंथरा क्या कही को जानती थी। सो मंथरा क्या कही की बन गई दासी, उसे पता था कि राम इनको मिलेंगे, क्योंकि क्या कही की कुंडली में ये बात लिखी थी, ये मिलेंगे। तो आज मंथरा बन गई उनकी दासी और क्या कही की दासी बन करके रहने लगी। आज जब पूरी अयोध्या में डुंडी पिटवाई गई, राम राजा बनेंगे, राम युवराज घोषित होंगे, मंथरा को आई खबर कि यह वही राम है नारायण जिनने इंद्र के लिए आदेश दिया था और हमें स्वर्ग की गद्दी नहीं मिल पाई थी। काश जे ने कहते तो हमें स्वर्ग की गद्दी मिल जाती, इनने हमारी वो गद्दी छीनी थी, हम इनके लिए ये गद्दी नहीं लेने देंगे। सो मंथरा बन गई निमित्त, और गोस्वामी जी ने लिखा कि करम प्रधान बेश्वर रची राखा और जो जस करहिं सो तस फल चाखा। अब मंथरा ने यत्र तत्र देखा, देखते देखते आई और केकई के पास में आई, आकर के कहने लगी केकई हमने कुछ सुना है। बोले क्या? बोले राम राजा बन रहा है। केकई कहने लगी बिल्कुल राजा बन रहा है, अयोध्या सजाई गई। मंथरा जल्दी आओ, अपन को भी बहुत काम करना है, मिठाइयां बनवानी है, मिठाइयां बटेंगी, बंधन बार पताका केतु चौक कलश आदि रखवाना है, जल्दी जल्दी तैयारी करो। मंथरा कहने लगी काय केकई तुम बोर आ गई हो का? केकई कहने लगी कैसी? अरे बोले जा बताओ तुम उनको स्वागत कर रही। मंथरा केकई कहने लगी क्यों क्या हो गया? राम मेरा बेटा है। मंथरा कहने लगी तुम्हें क्या याद नहीं है, राम कौशल्या का बेटा है, वो राजा बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो केकई ने मंथरा को एक बार वहां से भगा दिया, भग जाओ, हमारे घर को फोड़ने की बात करती हो, राम मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को राजा बनवा रही हूँ। ज्यों ही उनके लिए भगाया, ये दूर कोने में जाकर के रोने लगी। अब जैसे ही रोने लगी केकई के मन में आया यार देखो हमारी दासी आए और हमारी दम पर यहाँ रहती है, हमें इतना नहीं डांटना था, थोड़ी बहुत सुन तो लेते जा केकई ने। केकई कहने लगी क्या बात है मंथरा बताओ। और मंथरा कहने लगी आप गुस्सा होती हो रानी साहब, हमें खुद की चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। बोले नहीं बताओ कारण क्या है। बोले सुनो राम राजा बन जाए, हम तो दासी आए, सो दासी के दासी रहे, लेकिन राम बनेंगे राजा, सो कौशल्या बनेगी राजमाता, और कौशल्या बन जाए हैं राजमाता और तुम बन जाए हो दासी, तो हम अपनी रानी को दासी बनता नहीं देखना चाहे। और रोने लगी और जैसे ही रोई आंसू गिराए, केकई ने ज्यों ही उसके सिर पर हाथ फेरा सो उसकी कुमति भी इनके अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही आई कागव सुंद जी कहते हैं गरुण जी से, भोले बाबा मैया पार्वती जी से कहते हैं देवी ज्यों ही इनके अंदर मन में वो चीज आई, इनने कहा बात तो ये भी सही बोल रही। सो केकई ने वस्त्रों के लिए बदला, मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन में पहुंच गई केकई, वहां पर राजा दशरथ जी पहुंचे। राजा दशरथ जी ने कहा क्या बात है केकई क्यों दुखी हो? केकई कहने लगी है जी आप को क्या मतलब हमसे, आप तो जाओ अपने बेटे को राजा बनाओ, आप तो कौशल्या की मानो, आप तो सुमित्रा की मानो, हमारी क्या मानते हो? ये कहने लगे नहीं नहीं आप बताओ,
ऐसे ऐसे शब्द बोले क्या बताएं। हे गजगामनी, हे नेत्र सुखदायिनी, हे सुमुखी, बताओ तो आप एक बाल तो बोलो क्या चाहती हो। कैकेयी कहने लगी ऐसे नहीं, आप हमारी मानते कब हो। बोले नहीं मानेंगे। कैकेयी कहने लगी आपको पता है। बोले क्या। बोले आपको ये पता है आपने एक बार हमारे लिए वरदान दिए थे, दो वरदान। बोले हाँ दिए थे। देवासुर संग्राम में रथ का पहिया खुल गया था, चकील वो निकल गई तो इनने अपनी उंगली डाल दी थी। सो दशरथ जी ने बोल दिया था जाओ तुम्हें दो वरदान दिए, जब मौका आए तो मांग लेना। बोले हाँ दो वरदान दिए थे, मांगो क्या चाहिए। ये कहने लगी सुनो आपको क्या पक्का है आप बिल्कुल वरदान दोगे। बोले पक्का देंगे। बोले भूले तो नहीं हो या अभी भी अगर भूल गए हो, नहीं देना हो तो भूल जाओ। ये बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं, जो दे दिया सो दे दिया। कि रघु कुल रीते सदा चली आई, श्री राम तेरा रघु कुल रीते सदा चली आई, श्री राम तेरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। आपको पता नहीं है रघुवंशियों ने बोल दिया, मतलब बोल दिया क्या चाहिए मांगो। कैकेयी कहने लगी वरदान दोगे। बोले पक्का वरदान हमने दे दिए थे, अब जो दो वरदानों में मांगना हो सो मांगो। कैकेयी कहने लगी तो सुनो हमारा वरदान ये है कि एक वरदान हमें ये दे दो कि भरत जी के लाजे राजगद्दी दे दो। दशरथ जी कहने लगी इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम मलिन वस्त्र पहन करके को भवन में आई, कोनो बड़ी बात नहीं है। राजगद्दी देनी है भरत के लिए, राजगद्दी दाई कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपने बेटा राम पर भरोसा है, वो गद्दी के लिए नहीं, उसके लिए गद्दी से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए दुनिया के पदों से मतलब नहीं है। हमारे बेटा राम पर हमें भरोसा है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं, भरत जी के लाजे राज गद्दी दई। ये कहने लगे एक वरदान और रह गया। वो कहने लगे मांगो कौन सा वरदान लोगी। सोई ये कहने लगी के तापस विश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम बनो वासी। एक ही चौपाई में तीनों जन के लिए वनवास मांगा है, तीनों जन के लिए। किस किस को वनवास? सीता, लखनलाल और राम जी को। कई कई लोग कहते हैं कि राम जी को वनवास मिला था तो सीता काए गई और लखनलाल जी काए गए, और लखनलाल जी गए तो भरत जी काए नहीं गए। या के सीता जी जब राम जी के संगे चली गई तो इनके संगे उर्मिला काय ने गई लखन के संगे। लेकिन नहीं, वनवास तीन लोगों के लिए मांगा गया था। किसको? सीता जी को, लखनलाल को, राम जी को। तीनों जन को वनवास मांगा गया था। कहां लिखा? तापस विश विशेष उदासी और चौदह बरस राम वन वास। कैकेयी कहने लगी तापस वेश माने तपस्वी के भेष में, विशेष बी माने क्या? विश्व को धारण करने वाला, और विशेष विश्व को धारण करने वाला, फिर बचता है क्या? बी काट दो तो क्या वाला बचा? शेष। शेष माने कौन? लखनलाल। शेष के अवतार हैं कौन? लक्ष्मण। विशेष राम के जो विशेष हैं, विश्व को धारण करने वाले शेष के अवतार माने लखनलाल। तापस वेश विशेष उदासी, साथ में सीता जी को ले लिया। तापस वेश विशेष उदासी, और फिर कहा चौदह बरस राम वनवास। राम जी को तो बाद में मांगो, लखनलाल और सीता की तो पहले कह दई थी।
क्योंकि पता था कि सीता जी अगर नहीं रही गई तो अयोध्या में शांति रहेगी, राम जाएंगे नहीं वहां पर। त्याग रूपी जहां पर लखनलाल होंगे वहां पर भगवान तो जरूर रहेंगे, इसलिए त्याग शांति और राम तीनों को बाहर करना है। आप देखना तीन में तीन आए सो तीन चले गए, तीन में तीन आए सो तीन चले गए, तीन के कारण से। किसके कारण? दशरथ, केकई और मंथरा, इन तीन में तीन चीजें आई, काम क्रोध और लोभ। काम राजा दशरथ के मन में, इतने की चौपाइयां पढ़ लियो, ऐसी ऐसी चौपाइयां कही है राजा दशरथ जी ने, क्या बताएं, हे गजगामिनी, हे मृगनयनी, हे सुमुखी, हे नेत्र सुखदायिनी, ऐसे ऐसे शब्द बोले, क्या बताएं। काम आया उनमें तो दशरथ जी में आया काम, तो जहां काम होगा वहां राम नहीं रह सकते, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तो यहां पर काम आया सो राम बाहर चले गए। और मंथरा में आया क्रोध, क्रोध कैसा, इनने हमें पहले गद्दी ने मिलन दई सी, सो हम इन्हें मिलन दे, सुख लेने तो बलदास आओ क्रोध। और जहां पर क्रोध आएगा वहां पर शांति रूपी सीता कमू रह नहीं सका। अगर सीता को अयोध्या में रखना है तो अपने घर में शांति बनानी पड़ेगी। और आप देखना, अगर हम भी चाहते हमारा घर अयोध्या बने, सीता सी बहू हमारे घर में रेवे, तो घर में शांति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर शांति नहीं होगी वहां पर सीता नहीं रह सका। सो इनके मन में था क्रोध, मंथरा के मन में, सो शांति रूपी सीता चली गई। जहां क्रोध होगा वहां शांति नहीं होगी, सीता नहीं रुकेगी। और केकई के मन में आया क्या, लोभ, क्या हमारे लड़का के लाजे राज गद्दी मिल जाए। सो जहां पर लोभ होगा वहां पर बैराग रूपी लक्ष्मण कब्बू नहीं रह सका। भाई जहां लोभ होगा उतने बैराग आ ही नहीं सकत, वहां बैराग कभी नहीं आएगा। इसलिए तीन में तीन आए सो तीन चले गए, काम क्रोध और लोभ आया सो त्याग राम आदि सीता ये तीनों चले गए। दशरथ जी ने खूब कहा और कुछ मांग लो, बोले नहीं यही चाहिए। दशरथ जी पछाड़ खा करके गिर गए। सुबह थोड़ा समय हो गया, सुमंत जी आए, देखा राजा दशरथ जी नहीं है, वहां पर गए, किसी से पूछा, बोले कोप भवन में है। आज कोप भवन की ओर में गए, दशरथ जी से पूछा आप क्यों रो रहे हो। दशरथ जी कहने लगे क्या बताएं, राम के लिए वनवास मांग लिया इसके कई ने, और कुछ चाहिए तो मांग लेते। धीरे 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 करके राघवेंद्र सरकार को यह बात पता चली कि हमारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है, हमारे लिए वनवास का की आज्ञा मिल गई है, वन जाना पड़ेगा। राघवेंद्र सरकार ने तैयारी कर ली कि हम जाएंगे। सीता जी कहने लगी सरकार हम विवाह होकर के आपके साथ आए थे और सदैव आपके ही साथ में रहेंगे, आप अगर बन जाओगे तो हम भी नहीं रुकेंगे। लखनलाल जी आए, कहने लगे भैया हम भी साथ में जाएंगे, जहां पर हमारे भाई भाभी रहेंगे हम वहां पर जाएंगे। तीनों तैयार हो गए जाने को। दशरथ जी कहने लगे मत जाओ बेटा मत जाओ। सुमंत जी को बुलाया, सुमंत जी से कहने लगे सुनो इनने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, 14 वर्ष राम वनवासी। तो बोले जाओ 14 दिन इनके लिए जंगल में घुमा लाओ, 14 दिन जंगल में घुमा लाओ और तुम वापिस लेकर के आना, आ जाना। सुमंत जी कहने लगे ठीक है। राम जी से कहा बेटा बन के लिए मत जाओ। राघवेंद्र सरकार कहने लगे नहीं पिताजी हमें तो जाना पड़ेगा। अयोध्या वासियों को धीरे धीरे पता चला कि राम के लिए वनवास मिला है, अयोध्या वासी आ गए। राजा दशरथ आदि सभी रोदन करने लगे, कहने लगे राम मत जाओ मत जाओ। आज राघवेंद्र सरकार रथ पर बैठने को तैयार हुए, अयोध्यावासी आकर के रोने लगे राम मत जाओ, अगर राम चले जाएंगे तो क्या होगा।